मेरी प्यारी बच्ची, आज मैं तुम्हें कुछ खास बताने आया हूँ, इसे ध्यान से सुनना। मेरी बच्ची, जब भी तुम सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी राहों में इतनी सारी मुश्किलें आ जाती हैं और तब तुम्हें ये लगने लगता है कि जो मार्ग तुमने चुना है वो सही है भी या नहीं, और तुम्हारा अपने आप से विश्वास खोने लगता है और तुम भटकाव की तरफ भटकने लगते हो, और उसी समय लोग भी तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं और तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो और तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम मेरी ये बात सदैव याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें खुद को निखारने के लिए हो रहा है, और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, वर्षा के समय जब अन्य पक्षी अपने आप को छुपाने के लिए जगह तलाश करते हैं, लेकिन उनमें से एक पक्षी बाज बारिश को नज़रअंदाज करके बादलों से ऊपर उड़ने की उड़ान भरता है, क्योंकि बाज मुश्किलों से छुपना नहीं बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहता है, और उसका अपने ऊपर यही विश्वास उसे जीत दिलाता है। तो मेरे बच्चे, तुम भी आगे बढ़ने का जज्बा रखो और अपनी मुश्किलों का सामना करो, और जो लोग तुम्हारे अंदर कमियां निकालते हैं तो तुम अपनी उन कमियों को अपनी खूबियां बनाओ, और मेरा ये मंत्र सदा स्मरण रखो, श्रद्धा और सबूरी का। मेरे बच्चे, इसमें बहुत ताकत है, और अगर तुमने इसे अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारे पापा तुम्हें कभी भी हारने नहीं देंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।